अभी तक यूनिट सेल पढ़ चुके हैं, सिंपल क्यूबिक पढ़ दिए, बीसीसी पढ़ दिए, एचसीपी पढ़ दिए, एफसीसी पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी एक चीज में इसमें और एक पॉइंट है जो हमें नोट करना है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसको नोट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट क्लास था क्यूब, क्यूब के बाद जो सेकंड क्लास था सॉलिड, सॉलिड यानी क्रिस्टल जो था, क्रिस्टल जो है वही तो हमारा क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ ए स्मॉल यूनिट सेल्स। अब यूनिट सेल्स जो होते हैं, तो ये हमारे यूनिट सेल्स हैं। तो दिस इज आवर यूनिट सेल, ओके, दिस इज आवर यूनिट सेल, ठीक। अब यूनिट सेल में मैंने, ये हमारा सिंपल क्यूबिक हो सकता है, या बीसीसी हो सकता है, या एफसीसी हो सकता है, इट कैन नॉट बी एचसीपी। ये एचसीपी तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है पता है? क्योंकि एचसीपी इज नॉट क्यूब इन क्यूबिक फॉर्म। सिंपल क्यूबिक, बीसीसी एंड एफसीसी आर ओनली इन क्यूबिक फॉर्म। तो ये तीन हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। बट एनी ऑफ देम थ्री, अगर इन तीनों में से कोई भी हो, तो हमें पता है जो एटम्स होंगे दे कंपल्सरी प्रेजेंट कहाँ पे होंगे? कॉर्नर्स पे तो कॉमन होगा। सिंपल क्यूबिक होगा तो कॉर्नर पे होगा, बीसीसी में भी कॉर्नर पे कंपल्सरी होता है, एफसीसी में भी कॉर्नर्स पे कंपल्सरी होता है। बट अब यहाँ पे एक पॉइंट है। पॉइंट क्या है? जो ये सॉलिड है, ये सॉलिड जो क्रिस्टल जो सॉलिड नेचर का है, इट कैन बी ऑफ सॉलिड जो हो सकता है, इट कैन बी ऑफ कोवेलेंट, कोवेलेंट एटम, कोवेलेंट हमारा हो सकता है, इट कैन इकोवेलेंट इन नेचर, कोवेलेंट सॉलिड हो सकता है। जैसे डायमंड, डायमंड इज अ कोवेलेंट सॉलिड, कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसे कार्बन कार्बन चेन होते हैं। इट कैन बी आयोनिक इन नेचर, और इट कैन बी मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इट कैन बी कोवेलेंट सॉलिड, इट कैन बी आयोनिक सॉलिड, और इट कैन बी मॉलिक्यूलर सॉलिड, ओके। तो ये हमारा और भी एक सॉलिड होता है, एक हमारा मेटालिक सॉलिड होता है, बट अभी वहां पे नहीं जाना है। अभी हमें जो मैं समझाना चाहता हूँ उसको समझना पहले। इट कैन बी कोवेलेंट सॉलिड, जो सॉलिड है, इट कैन बी कोवेलेंट सॉलिड, इट कैन बी आयोनिक सॉलिड, इट कैन बी मॉलिक्यूलर सॉलिड। जो कोवेलेंट सॉलिड होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल एटम्स, वो छोटे छोटे एटम्स में कंपोज्ड होते हैं। जैसे कोवेलेंट डायमंड बताता हूँ, तो डायमंड इज कंपोज्ड ऐसे, कार्बन कार्बन कार्बन, फिर यहाँ से तीन कार्बन निकलेगा। तो इसमें जो एटम्स होंगे दे आर एटम्स, ओके। तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन एटॉमिक फॉर्म, देज आर एटम्स। इन द केस ऑफ आयोनिक सॉलिड, फॉर एग्जाम्पल NaCl, दीज आर कंपोज्ड ऑफ आयंस, कैटायंस एंड अनायंस। तो दीज आर कंपोज्ड ऑफ आयंस। एंड इन द केस ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, दीज आर कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे वाटर हो गया, वाटर तो लिक्विड होता है, लेकिन अगर उसको फ्रीज करके, अगर उसको सॉलिडिफाई किया जाए, आइस, तो आइस इज अ हमारा क्या है, वो मॉलिक्यूल है, तो मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो मॉलिकुलर सॉलिड। तो अभी अगर देखते हैं, सपोज दिस इज अ यूनिट सेल, इफ दिस यूनिट सेल, ये जो यूनिट सेल एक सॉलिड का पोर्शन, क्रिस्टल का पोर्शन है, एंड इफ दिस सॉलिड इज अ कोवेलेंट इन नेचर, वो जो सॉलिड है कोवेलेंट नेचर होगा, तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट है दीज आर एटम्स, दीज आर एटम्स, कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट है दीज आर एटम्स। एंड इफ दिस, ये जो यूनिट सेल है, इफ दिस सॉलिड इज आयनिक इन नेचर, इफ दिस सॉलिड इज आयनिक इन नेचर, देन यहाँ पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है दे आर नॉट एटम्स, दीज आर आयंस। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे दे विल बी आयंस। एंड इफ इट इज मॉलिकुलर सॉलिड, देन यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो मैंने स्टार्टिंग से हमेशा समझाया था कि यहाँ पे एटम्स होते हैं, तो एटम्स इन द केस ऑफ व्हाट, अगर कोवेलेंट सॉलिड, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, एटम्स। इफ द आयनिक सॉलिड, देन उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होगा, आयनिक सॉलिड इज मेड ऑफ आयंस, मॉलिक्यूलर सॉलिड इज मेड ऑफ क्या, मॉलिक्यूल्स, कोवेलेंट सॉलिड इज मेड ऑफ क्या, एटम्स। तो अभी हमें देखना है यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, CONSTITUENT, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड। सपोज दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स, तो दीज आर दोज यूनिट सेल्स, दीज आर दोज यूनिट सेल्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। अब वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड, ओके। सपोज इफ इट इज एफसीसी, ये हमारा एफसीसी है, तो एफसीसी में पता है एटम्स कहाँ पे हो, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो फेस सेंटर पे होता है, इन एडिशन विद द कॉर्नर्स। तो एफसीसी में हम क्या बोलेंगे, दीज आर दोज यूनिट सेल्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फेस सेंटर इन एडिशन विद द कॉर्नर्स। एंड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल हो सकता है। सेम इन द केस ऑफ बीसीसी, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बॉडी के सेंटर पे हो सकता है,
and at the corner, in addition to the corner, and the constituent particles are atoms, ions or molecules. That depends on the nature of the solid. Exactly same with the HCP. तो मैंने स्टार्टिंग से एटम्स लेके समझाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नहीं बोला था, मैं एटम्स ले रहा था, क्योंकि जब स्टार्ट करते हैं तो एटम्स से समझना आसान होता है, एटम्स से समझना आसान होता है. लेकिन अब हम पढ़ चुके हैं, सिंपल क्यूबिक पढ़ चुके हैं, बीसीसी पढ़ चुके हैं, एफसीसी पढ़ चुके हैं, एचसीपी पढ़ चुके हैं, तो अब हमें समझ में आ चुका है, पोजिशन भी पता है. तो अब वो एटम्स हम पढ़े हैं, लेकिन अब उसको एटम्स नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोलना. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम भी सही है, बट बुक्स में कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आएगा, वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड. इट कैन बी एटम हो सकता है, इट कैन बी आयन हो सकता है, इट कैन बी मॉलिक्यूल्स हो सकता है. ओके, तो एक पॉइंट हम नोट करके लिख लेंगे, द कॉन्स्टिट्यूएंट नोट करके, NOT नोट करके, वहां पे एक पॉइंट लिख लो, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स और आयन्स और मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड. फिर से बोल रहा हूं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड. इसको नोट कर देना इस पॉइंट को. ओके, नेक्स्ट फिर से वापस आते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. अच्छा, इससे प्रीवियस क्लास में मैंने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, और मैंने एक पहला ही लाइन बोला था, यूनिट सेल जो होता है बेसिकली दो टाइप का होता है. तो हाँ, यूनिट सेल इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स ओनली. ओके, फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, primitive, PRIMITIVE, primitive unit cell, and second one is centered unit cell, centered unit cell. Okay, listen, what is this primitive? ये दो ही type का होता है. Unit cell is of basically two types, primitive unit cells and centered unit cells. Okay, what is this primitive unit cells? These are those unit cells. In which the constituent particles are present only at the corners of the cell, unit cell, only at the corners of the unit cell. तो इसका example जो हो जाएगा, इसका example simple cubic. हमें पता है simple cubic क्यों? क्योंकि simple cubic में ही जो constituent particles, atoms, ions या molecules सिर्फ corner पे present होते हैं. Okay, तो primitive unit cells are those unit cells in which the constituent particles are present only at the corners of the unit cell. For example, इसमें आएगा simple cubic unit cell. Simple cubic unit cell को हम ऐसे भी लिख सकते, simple cubic unit cell is also known as primitive cubic unit cell. Primitive cubic unit cell. Okay. तो ये primitive unit cell समझ में आ गया. Primitive unit cells are those unit cells in which the constituent particles are present only at the corners. For example, simple cubic. Centered unit cells are those unit cells in which the constituent particles are present at any center in addition with the corner. इसमें for example FCC में क्या होता था, these are those unit cells in which constituent particles जो होते हैं face center पे present होते हैं in addition with the corner. तो इसमें ये आएगा centered unit cell. For example BCC में particles का body center और ये portion होता है. तो सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर दोज यूनिट सेल्स, उसमें क्या होता है सेंटर्ड यूनिट सेल में, प्रिमिटिव में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है. बट इन द केस ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल्स, इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर इन एडिशन विद द कॉर्नर. अब सेंटर इट कैन बी फेस सेंटर और इट कैन बी बॉडी सेंटर और इट कैन बी इन सेंटर. तो अभी देखते हैं यहाँ पे ये तीन कैटेगरी में आता है. सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर थ्री कैटेगरी में, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी centered unit cell, and third one is in centered unit cell. What is this face centered unit cells? Toh naam se hi clear hai. These are those unit cells in which the constituent particles are present at the face center in addition with the corner. For example, isme chala jayega FCC, which is also known as CCP. Okay, body centered kya hota hai? These are those unit cells in which the act constituent particles are present at the body center in addition with the corners. इसमें चला जाएगा example में BCC. And what is this end center? अब इसको समझेंगे end center क्या है. HCP हम पढ़े थे, HCP this means what? ये side और वो side, ये face और वो face के बीच में, if दो opposite face के बीच में अगर एक atom present होता है तो उसको बोलते हैं end center. ये side और वो side के बीच में एक atom, या इसको face बोले तो उसको भी face मान लेते, दो face, दो opposite face के बीच में if the atoms or constituent particles are present in addition with the corners, corners pe to ho gaye, so that is called as end center. Okay, so these are those
यूनिट सेल इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द टू सॉरी दीज आर दोज यूनिट सेल्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू अपोजिट फेसेस और टू अपोजिट साइड्स इन एडिशन विद द कॉर्नर. और इसमें एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं HCP. ओके, तो बेसिकली यूनिट सेल दो टाइप का होता है, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड. और उसी का प्रिमिटिव का एग्जाम्पल है सिंपल क्यूबिक, सेंटर्ड का एग्जाम्पल है सेंटर्ड विद तीन कैटेगरी से जाता है, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एंड सेंटर. तो इसमें HCC, इसमें BCC और इसमें हम क्या लिख सकते हैं HCP. ओके, तो अभी ये पोर्शन है तो हमें लेकिन फोकस करना है सिंपल क्यूबिक, HCC, BCC एंड HCP. ओके, तो इतना कंप्लीट करो, इसको ड्रॉ कर लेना अच्छे से. नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे बुक्स है तो बुक को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. हर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइन से कुछ क्वेश्चंस होते हैं. तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट चैप्टर देख सकते हैं जैसे कंटेंट्स में, तो इसमें हमें बीट अभी जितना भी पढ़े हैं सॉलिड स्टेट में, सिर्फ अभी जितना बोला उतना ही पढ़ना. यू जस्ट गो थ्रू दी बीट 1.5, जस्ट 1.5, और कुछ मत पढ़ना अभी, जस्ट यू गो थ्रू दी बीट 1.5. ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं.